अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ये रोप स्विच या पुल कार्ड के मतलब इन्फॉर्मेशन दूंगा। जिस तरह ये आप वीडियो में देख रहे हैं कि आपको एक पुल कार्ड नज़र आ रहा है, इसको रोप स्विच भी कहते हैं। ये 5 एम्पीयर 410 वोल्ट तक कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका। ये एक चाइना कंपनी का है पुल कार्ड स्विच, 5 एम्पीयर का है करंट मैक्सिमम। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और इसका इंटरनल फंक्शन आपको समझाते हैं। ये इसमें 4 स्क्रू लगे हुए हैं। इसके अलावा ये बैक साइड पे आप देख रहे हैं कि इसका यहाँ पे रोप लगाई जाती है, तो ये इसकी पिन है, सेफ्टी पिन। जैसे ही रोप ऑपरेट होती है तो ये स्टक हो जाती है। ये आके यहाँ पे एक होल है, मैं वह भी आपको दिखाऊंगा, जिसमें अभी ये लगी हुई है। तो जैसे ये इसको पुल करते हैं तो ये रिलीज़ हो जाता है। ये अभी देख रहे हैं आप, हम इसको पहले रिलीज़ करेंगे। ये अभी रिलीज़ कंडीशन में है, तो जैसे ही ये ऑपरेट करेंगे अभी इसको, तो ये पिन नीचे बने हुए होल में चली जाएगी और ये अपनी जगह पे स्टक हो जाएगा। और ये तब रिलीज़ होगा जब हम पिन को पुश अप साइड पे करेंगे। स्प्रिंग टेंशन पिन है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये ऑपरेट किया है तो ये पिन नीचे चली गई है होल के अंदर, ये स्टक हो गया है। तो यानी जैसे ही अगर सेफ्टी बेल्ट्स पे या जहाँ पर भी ये लगा होता है तो काम करना होता है, तो उसको जैसे ही रोप को खींचते हैं तो ये अपनी जगह पे स्टक हो जाता है। ये ऊपर करने से ये रिलीज़ होता है क्योंकि ये स्प्रिंग टेंशन है। तो ये इसका फ्रंट साइड है, ये इसके 4 बोल्ट लगे हुए हैं। ये अभी हम ओपन करेंगे और इंटरनल फंक्शन इसका आपको समझाएंगे और चेक करवाएंगे। ये देख सकते हैं हमारे दोस्त इसको ओपन कर रहे हैं टेस्टर की मदद से। कुछ बोर्ड ज़्यादा टाइट से बड़े स्क्रू ड्राइवर से खोल रहे हैं। इसके अलावा ये मीटर और टूल्स वगैरह आप देख रहे हैं हमारे पास मौजूद हैं, इसकी मदद से हम इसको चेक करेंगे और आपको इसका फंक्शन समझाएंगे। अभी ये तकरीबन ओपन हो चुका है, तो ये देख रहे हैं इसके अंदर ये 2 लिमिट स्विच लगे हुए हैं ब्लैक कलर के। ये देख सकते हैं ऑपरेट हुआ है, ये स्प्रिंग टेंशन है। इस तरह एक नीचे की तरफ स्विच लगा हुआ है, ये भी देख रहे हैं ऑपरेट हो रहा है। इसमें एक अलार्म का स्विच होता है और एक ट्रिपिंग का स्विच होता है। इसके अलावा ये एक मेन स्प्रिंग टेंशन नीचे नज़र आ रहा है स्प्रिंग, इसकी मदद से ये इसको वापस ले जाता है। ये किस तरह के इसके अंदर लिमिट स्विच लगाए गए हैं, ये हमारे पास एक न्यू वन है वो भी देख लें। ये भी हम आपको ओपन करके चेक करवा देते हैं। ये मीटर है, मीटर को आपने कंटिन्यूटी पे रखना है। ये वीडियो में उम्मीद है आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसके 3 पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है, एक एनओ पॉइंट है और एक एनसी पॉइंट है। अभी हम मीटर की मदद से इसको चेक करवाते हैं आपको। ये मीटर देख रहे हैं अभी नॉर्मली ओपन शो कर रहा है, तो ये स्विच का एक कंडीशन नॉर्मली ओपन है और नॉर्मली क्लोज है। तो अभी हम मीटर की मदद से देख सकते हैं, मीटर को वायरों को शॉर्ट किया है तो कंटिन्यूटी आ गई है।
तो अभी ये कामन के साथ एनो पॉइंट पे हमने मीटर लगाया है, तो जैसे ये स्विच को प्रेस करेंगे तो ये मीटर कंटिन्यूटी शो करेगा। ये अभी मैं एंगली से पुश करता हूँ स्विच को, ये देख रहे हैं मीटर में तकरीबन 0 ओम तक रेजिस्टेंस जा रही है, वेरी कर रही है। ये ओपन हो गया, अब ये दोबारा प्रेस करके चेक करेंगे। अब लीड हम NC कॉन्टैक्ट पे इसकी लगाएंगे, कामन पे लगाई हुई है, कैनो पे है। ये NC पॉइंट पे देख सकते हैं आप, मीटर बिल्कुल NC शो कर रहा है। तो जैसे इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये ओपन कंडीशन में आ जाएगा। अभी स्विच को प्रेस करके चेक करवाते हैं आपको, प्रेस करें। हाँ, ये मीटर पे बिल्कुल ओपन कंडीशन में आ गया हुआ है, अभी प्रेस किया तो वापस चला गया NC। इस तरह ये देख रहे हैं आप। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और हर नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।